जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है ना, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। ये जो सेपरेशन है ये हम लेते हैं 2A है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का एंगल मान लेते हैं अभी थीटा है। तो आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, और ये जो निगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा इधर क्यू इंटू ई। चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये कहा जा सकता है अभी जो हमने समझा यहां पर कि इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी जीरो। ठीक, लेकिन हम लोग अब टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे टॉर्क कितना आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं रोटेशन से कि जब किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे होते हैं उनको फोर्स कपल कहा जाता है। तो वो फोर्स कपल जो है टॉर्क लगाते हैं। ये भी कुछ फोर्स कपल जैसा ही है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये टॉर्क लगाएंगे। तो ये टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो ये टॉर्क निकालना हो तो जैसा कि हम लोग वहां पर निकालते थे रोटेशन में, अगर कोई कपल लग रहा है, फोर्स कपल लग रहा है, तो उस केस में जो टॉर्क है किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो उतना ही आता है। कितना आता है, दो फोर्स जो लग रहे होते हैं उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है, और दोनों फोर्स चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो एंटी पैरेलल होंगे, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिगर में समझते हैं, जैसे एक फोर्स हो गया इधर तो इसका लाइन हो गया ये, और एक फोर्स हो गया इधर इसका लाइन ये हो गया, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये कितना आएगा। अगर ये 2a है, ये थीटा है, ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2a साइन थीटा, है ना, इतना हो जाएगा। तो जब टॉर्क निकालेंगे तो दोनों में से कोई एक फोर्स लिया जाता है QE इंटू दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि यहां पर 2a साइन थीटा है, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। अब देखेंगे Q इंटू 2a क्या हो गया, Q एक चार्ज है दोनों में से और 2a के बीच का सेपरेशन है, तो ये बताएगा डाइपोल मोमेंट। P ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, तो जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया PE साइन थीटा। अगर इस टॉर्क का डायरेक्शन चेक करना हो तो डायरेक्शन कैसे आएगा, जैसे मान लेते हैं इसको एक्सिस, तो इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है। ठीक, अब इस फोर्स का टॉर्क निकालना हो तो देखेंगे ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लगाने से ये जो डायपोल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हुआ कि इस तरह से घूमेगा, तो डायरेक्शन जो है टॉर्क का वो आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। टॉर्क क्या है, एक्सियल वेक्टर होता है, अगर क्लॉकवाइज मोशन होता है तो इनवर्ड डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन आता है, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो चूंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक, अब मैं इसको जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस
ई, है ना। आप ध्यान देंगे कि पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड पी इंटू ई इंटू साइन थीटा आएगा। पी क्रॉस ई से डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, पी किधर होता है, इधर, है ना, पी इधर है और ई इधर है, तो पी क्रॉस ई, पी ऐसे है और ई ऐसे है। जो राइट हैंड स्क्रू रूल हम जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल जानते हैं, उसको अप्लाई कर सकते, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो थंब जो है ऐसे रखेंगे और फर्स्ट वेक्टर जो है पी से ई की तरफ हाथ को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाने से थंब अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो अंदर पहले भी अपना आ रहा था और इस पी क्रॉस ई से भी अंदर ही आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन सही बता रहा है। तो इतना तो लगेगा इस पर टॉर्क, फोर्स आएगा जीरो, जैसा कि हमने यहां पर देखा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, जब भी उसके अंदर कोई चार्ज को रखा जाता है तो उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, है ना। तो उसी तरह से किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर ये चार्ज का सिस्टम यानी डायपोल रखा गया है तो इसके पास भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं यहां पर। तो एक हमने वर्क और एनर्जी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, है ना, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो पहले कुछ इस तरह से रखा गया था और इस पर टॉर्क लगा तो ये घूम करके ऐसे आ गया, है ना। पहले डाइपोल इधर था, अब डाइपोल इधर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। तो ऐसा कहा जा सकता है कि शुरू में जो है डाइपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, अब जो है थीटा एंगल पर है। तो इनिशियली जो था पाई बाय टू एंगल पर था, ई और पी के बीच का जो एंगल था वो पाई बाय टू था, और फाइनली जो है थीटा आया। थीटा एंगल पर जब आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो यहां पर लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पहले लिख लेते हैं यू फाइनल मतलब यू थीटा माइनस यू इनिशियल मतलब पाई बाय टू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन कैसे निकालेंगे, टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू डी थीटा, यहां पर थीटा वेरी करेगा, थीटा जो है वो वेरी करेगा पाई बाय टू से थीटा तक, है ना। अब कहेंगे कि ऐसा फॉर्मूला वर्क डन कैलकुलेट करने का तो हमने कभी पढ़ा नहीं, है ना। आपने ध्यान दिया होगा कि जब किसी फोर्स के कारण से हम लोग वर्क डन निकालते हैं, फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है, तो वर्क डन हम लोग निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। लेकिन जैसे फैन है, फैन पर जब हम लोग साइड में फोर्स लगाएंगे तो फैन तो डिस्प्लेस नहीं होता लेकिन वो घूमने लगता है। घूमने से क्या होता है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, यानी हमने कोई ना कोई तो वर्क किया होगा, तो हमने वहां पर वर्क किस कारण से किया, क्योंकि हमने उस पर टॉर्क लगाया है। तो जब फोर्स के कारण से वर्क डन निकालना होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, और जब टॉर्क के कारण से जो घूमने वाला जो मोशन है उसके कारण से अगर वर्क होता है तो हम लोग निकालते हैं टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क लेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से वर्क डन निकाला जाता है। तो यहां भी चूंकि रोटेशन हो रहा है डाइपोल का, इसलिए रोटेशन वाला वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, यहां पर रेफरेंस लाइन लेंगे हम लोग कि जब 90 डिग्री के एंगल पर डाइपोल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो मानी जाएगी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें फाइंड करना है, ठीक। तो यानी कि यू थीटा हमें निकालना है और पाई बाय टू पर जब होगा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेंगे जीरो, ठीक। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर चार्ज को मूव कराना हो तो स्लोली मूव कराया जाता है, है ना। तो स्लोली मूव कराने का मतलब क्या हुआ, स्लोली मूव कराने का मतलब यह हुआ
कि उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी और जितना यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होगा या टॉर्क होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क होगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक टॉर्क लग रहा है, तो एक्चुअली हम लोग उतना ही ऊपर की तरफ टॉर्क लगाएंगे और धीरे धीरे इसको रोटेट होने देंगे, है ना। तो चूंकि स्लोली मूव कराना है, स्लोली रोटेट कराना है, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क और जो है कंजर्वेटिव फोर्स का टॉर्क इक्वल आता है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी आएगा इतना ही जितना कि कंजर्वेटिव फोर्स का टॉर्क था। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क ये था पीई साइन थीटा, एक्सटर्नल का भी टॉर्क इतना ही आएगा, बस जस्ट उल्टा आएगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो एक्सटर्नल वाला इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इसलिए ये स्लोली धीरे धीरे जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल टॉर्क है वो एक्चुअली में होना चाहिए माइनस पीई साइन थीटा, चूंकि उल्टा लग रहा है इसलिए माइनस लगाया, और है ना टॉर्क ये उल्टा लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसे कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो थीटा जो है ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो थीटा मैंने डी थीटा जो है चेंज इन थीटा एक्चुअली में निगेटिव आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा पाई बाई टू टू थीटा। तो यू थीटा इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये आ गया पीई साइन थीटा पाई बाई टू टू थीटा। पीई जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखेंगे पाई बाई टू टू थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, जब पाई बाय टू रखेंगे थीटा की जगह पर तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी आया डाइपोल का वो हो गया माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है।